जो संत के कवि अवतार यानी कौन से पुत्र शक्ति पुत्र है कि सत्ता पुत्र पता नहीं है। शक्ति पुत्र, शक्ति पुत्र महाराज जी कल तुम्हारे दोनों चिलों को देखे जाएंगे। जय जय श्री राम। दोस्तों आप देख रहे हैं सुरेश के ब्लॉग चैनल और अभी आप लोग इस चैनल पर देखने को मिल रहा है पंडोकर सीरीज। तो पंडोकर सीरीज में देखने को मिल रहा है शक्ति पुत्र के बारे में गुरुजी ने क्या बताया, अभी इस वीडियो में आप देखने वाले हैं। संत स्वरूप आवरण पहने हुए काल नेमी कली काल के कवि अवतार के रूप में शक्ति यानी कौन से पुत्र कली काल के शक्ति पुत्र है कि सत्ता पुत्र पता नहीं है। कौन है? दलाल, ठेकेदारों से पैसा वसूलने वाले। अच्छा। शक्ति पुत्र, शक्ति पुत्र महाराज जी कल तुम्हारे दोनों चिलों को देखे जाएंगे और जितनी माताएं हैं प्रयास करूंगा कल माताओं बहनों के नंबर दिए जाएंगे क्योंकि उनको कल फ्री कर दिया जाएगा 12 बजे तक और पुरुष भाइयों को रुक जाएगा, ठीक है ना? क्योंकि घर सफाई, दीपावली की तैयारी, आपके और भी पूजन अनुष्ठान, उनके वृत इत्यादि को ध्यान रखते हुए मैं प्रयास करूंगा कल माताओं का दरबार रहेगा। सुबह 6 बजे से तैयार नहा धो के पुष्पावती मत जाना, जगह जगह बांध कर ली कुआ हैडपंप आदि बावरी पर नहा ले, नदी पुष्पावती गंगा जी में ना उतरे और जाना है तो दीपदान करें, अत्यधिक घाट से करें और वहां के मल्लाओं से जानकारी ले लें, वही घाट पर बैठ करके लोटे से नाले बाल्टी रखें वो लोग वहां नाली में अंदर नहीं उतरे क्योंकि तो पता नहीं होता है कितना जल ऊपर बरस गया है क्योंकि तो परमात्मा का वो है विधान है 4 मास जो हमारे यहाँ बोले गए हैं ये जल कूप अत्यादि के लिए स्पष्ट रूप से वर्णित किया गया कि तालाब और नदियों में ना नहरों में कूप के लिए कहा गया है, घर पे नहाने के लिए बोला गया है, हैंडपंप के लिए बोला गया क्योंकि तो सावधानी बरतने के लिए विद्वानों के और पढ़े लिखे लोग विद्वानों का भी विचार है कि कोई तैरता जानता है कोई नहीं जानता, पता पड़ा है उन्हें प्रणाम किया डुबकी लगाई पता पड़े डुबकी हो गए, इसलिए ऐसा नहीं करना है क्योंकि आपके नाम का शान लगी हुई है, कुछ भी होगा तो नाम पंडोकर का होता है। बोले पंडोकर सरकार जी।